देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में पार्टी की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और विशेष तौर पर 1 जून से 30 जून तक सरकार की उपलब्धियां घर घर तक जाएं, सरकार की आगामी योजनाएं घर घर तक जाएं और जो कल्याणकारी कार्य सरकार ने किए हैं वो जन जन तक जाएं, इन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर गांव गांव गली गली जा रहे हैं। और ये जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन या बड़ी बड़ी रैलियां इसी उद्देश्य को लेकर के की जा रही हैं कि जो सरकार ने काम किए हैं उसकी जानकारी जनता को मिले। पंचकुला में भी पंचकुला विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन 25 जून को सायं 3:30 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विप्लव देव जी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। लगभग 3200 पन्ना प्रमुख हमने सत्यापित किए हैं और इन पन्ना प्रमुखों के नाते, इस सम्मेलन के नाते जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं चाहे वो हरियाणा सरकार की हैं, वो उपलब्धियों हमारे कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी मिले और वो कार्यकर्ता जाकर के लोगों को बता सकें। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है और इसके साथ साथ 2024 सामने रख कर के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये पन्ना प्रमुख भी सम्मेलन भी उसी का एक हिस्सा है। तो पन्ना प्रमुख की जो कार्यशैली है उस पर एक अहम योगदान है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करती है, तो किस तरह से देखते हैं पन्ना प्रमुख की कार्यप्रणाली? देखिए, मैं समझता हूँ कि पन्ना प्रमुख यानी जो हमारी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट के अंदर 20 या 21 पन्ने होते हैं, 1000 से लेकर 1200 तक वोट होती है, एक पन्ने के ऊपर 60 वोट होती है और उस 60 वोट यानी 15 जो घर हैं, 15 घरों के ऊपर हमारा एक कार्यकर्ता उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए, उनकी दुख तकलीफ में शामिल होने के लिए, उनको पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी देने के लिए, पार्टी की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए हर 15 घर के ऊपर एक कार्यकर्ता यानी एक पन्ना प्रमुख की हमने रचना की है, नियुक्ति की है। और अब की बार पहली बार जो पन्ना प्रमुख हैं उस पन्ना प्रमुख की पन्ने के ऊपर उसकी फ़ोटो हमने लगाई है ताकि यह उसको एहसास हो कि ये मेरी जिम्मेवारी है इस पन्ने के ऊपर रहने वाले मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जा कर के वोटिंग कराना, उनके दुख सुख में शामिल होना, उनको जो पार्टी की उपलब्धियाँ हैं उनकी जानकारी देना।